तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी आया हूँ, इसको पता नहीं क्या तकलीफ शुरू हो चुकी है, मुझे काटने आ रहे हैं बार बार। हमने अपनी बत्तख को लिए स्विमिंग पूल में बिछा चुका है, जो अभी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है। इसका पानी भी खाली करता हूँ, उसमें पाइप भी पड़ा हुआ है, यहाँ से गिर गया एक पाइप। सबसे पहले हम अपने मास्टर केज में चलते हैं, देखते हैं अंडा दिया हुआ किसी ने या फिर नहीं। बाकी हमारी स्नो भी यही थी, वो बैठा हुआ ऊपर हमारे स्नो। मेरे आते ही भीड़ मच गई अंदर से, इधर उधर भागना शुरू होगा सारे। बाकी मेरे अंदर देख लिया, अंडा तो नहीं है। बाकी हमारे बिल्ले साहब वहाँ पे आराम कर रहे हैं अभी, पता नहीं किस बात का आराम कर रहे हैं। कोई काम धंधा तो उनको है नहीं, फिर भी पता नहीं आराम किस बात का। वो भी आ गए, कल मगरिब के टाइम में इनको खाना डालने आया हूँ, डाला था लेकिन वो कम था काफ़ी। तो फिर मैं मगरिब के टाइम खाना डालने आया, वहाँ स्लेब पे डाला मैंने खाना। हमारी स्नो तो अंदर बनती है, मैंने पहले स्नो उगाया, फिर जैसे इसको डालने लगा वो भी आ गई। मैंने स्लेब पे डाला खाना, ये ऊपर चढ़ी, बच्चों पर चढ़े, वो नीचे कूदी, फिर इतनी लड़ाई हुई इन लोगों की आपस में कि बस ये तो सो ऐसे माई थी, क्योंकि इसके बच्चे भी ऊपर चढ़े हुए थे। और अब तो हमारी इन दोनों बच्चों की भी स्नो से काफ़ी ज़्यादा दोस्ती हो गई है ना भाई, अब तो स्नो के साथ बैठे हुए भी होते हैं। हमारा स्नो भी अंदर से निकल के आ गया, और ये मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे कान पे आके चीखी, दिल ज़्यादा थप्पड़ लगा उसकी। वही हमारा स्नो करीब जा रहा है, वो भाग गए, वो डर के भाग गई। तो यार दोस्तों, अब आपको पता है कि अब ईद उल अज़हा बहुत करीब है, मेरे ख्याल से 5-6 दिन बचे हैं ईद उल अज़हा में। और अब जो है जानवर भी हर जगह आना शुरू हो चुके हैं, तो हम भी चलते हैं अपना जानवर जल्दी से लेने। लेकिन उससे पहले ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा और वीडियो लाइक ज़रूर कर देगा। बाकी आज भी मैं माइक लगाना भूल चुका हूँ, माइक मेरा यहीं रह चुका है। तो अब हम चलते हैं, पहले बकरे लेके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली भाई हम लोग बकरा लेके आ चुके हैं, और ये रहा वो बकरा, इसमें माशाल्लाह जान बहुत है, इसमें ताकत बहुत है। बाकी हमारी बत्तखें तो देख के ही वहीं दूर चले गई। बाकी अभी मैं आपको रात की ऐसे सही से दिखा नहीं पाता, मिल पा रहा तो मिलूँगा भी मैं आपसे सुबह। दोस्तों अब अगला दिन शुरू हो चुका, मैं कल रात को नहीं दिखा पाया था आपको, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, तो इस वजह से मैं आपको ज़्यादा सही दिखा नहीं पाया। तो अभी भी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अभी अंधेरा ही हो रहा है, सुबह सुबह का वक्त है, मेरी आंखें भी पूरी लाल हो गई। यहाँ हमारे बकरे का भी खाना आ चुका है, तो खाना डाल दें। जहाँ हमारी आवाज़ सुनी फ़ौरन ऊपर आके बैठ जाती है मुंडेर पे, तो उसे शायद खाना आ चुका है। तो कल जब हमने बकरे को लाया था, सबसे पहले तो हमने पहले यहाँ पे बांध दिया था, लेकिन हमने कहीं पाइप वाइप ना तोड़ दी, काफ़ी जानदार बकरे। फिर हमने यहाँ की सफाई, हमने सोचा यहाँ बांध देते हैं इसको, मगर हमें ये सफाई करते हुए फिर एक वो जगह समझ आई वहाँ पर, तो फिर हमने इनको वहाँ बांध दिया। बाकी मैंने लाइटनिंग का भी इंतजाम कर रात को ही कर लिया था पूरा। एक तो इनकी मुझे समझ नहीं आता, इनकी मस्तियाँ क्यों नहीं ख़त्म होती। कल रात को आया हूँ मैं, जब भी इनकी यही थी मस्तियाँ पे मस्तियाँ, मस्तियाँ पे मस्तियाँ। तो भाई अपने बकरे के लिए मैं लूसन और लेने जा रहा हूँ, उसने वो ख़त्म कर लिया, लेकिन उसका अभी पेट नहीं भरा है सही से, सामने रखा हुआ इसमें से लेते हैं लूसन। इसका मैंने ले लिया है थोड़ा सा, और इसको देखें, इसको देखें तड़पना, देखें इसका कैसे तड़प रहा है। बाकी मैंने हमने अपने बकरे का नाम जो मैंने सोचा है, वो मैंने अपने बकरे का नाम जो रखा है अभी,
एल्फा नाम है, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको बकरा और इसका नाम कैसा अच्छा लगा। तो बस दोस्तों, मैंने आज का छोटा व्लॉग ये, अगर आपको अच्छा व्लॉग अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।